क्या बात है, किस बात की परेशानी? सरवर फिर आया था दुकान पे। तो फिर क्या कहा? आशिक मेरी मान, पैसे दे, जान छुड़ा इन लोगों से। इन लोगों से दुश्मनी लेना हमारे बस की बात नहीं है, पैसे तो फिर कमा लेंगे। और जान जी, बात पैसों की नहीं है यहाँ पे। तो फिर उस कमबख्त की नजर अपनी समीना पर है। क्या कह रहे हो ये? तो धमकी देके गया मुझे, बहुत तड़िया लगा रहा था, कह रहा था कि अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो, दो दिन का टाइम दिया सोचने का। क्या कह रहे हो तुम? वो एक नंबर का गुंडा बदमाश है। आप मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। बैठे बैठे क्या मुसीबत आ गई, ये शुमैला और अब समीना। जान जी देखो। अब हो यार। अरे औकत भाई, आप फिक्र क्यों करते हैं? मैंने उन्हें दो दिन की मोहलत दे दी है, कोई शहर से कहीं नहीं जाएगी। यार सरवर, तुम एक काम करो, बस उन लोगों के घर पे नजर रखो, जमीना बस वहां से जाने ना भाई यार। अरे फिक्र नॉट शौकत भाई, फिक्र नॉट। मैंने आशिक को अच्छे से समझा दिया है, समझा क्या दिया है बल्कि उसको डरा दिया है, वो इस शहर से बाहर नहीं जा सकती। हाँ सही किया तूने यार, उस आशिक को जरा टाइट कर लो। अरे तू फिक्र क्यों करता है शौकत भाई, शादी तुझसे होगी, मेरा वादा। अरे वाह सर भाई, क्या बात है यार। कहाँ जा रही हैं? अब्बा अम्मा की बात है सुनने? कहीं नहीं जा रही आप, अब्बा को आपसे काम होता तो खुद ही बुला लेते। तुम कौन होती हो मुझे रुकने वाली? अपनी हद में रहो। आप अपनी हद में रहो और मेरे अम्मा अब्बा को अकेला छोड़ दे। तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरा हाथ पकड़ने की? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। ठीक है, जो सब तुम कर रही हो ना, बताऊंगी आशिक को, सही से खबर लेगा तुम्हारी। लेने दे उनको मेरी खबर, लेकिन अभी मैं आपको यहां से कहीं नहीं जाने दूंगी। समीना ये पहन लो बेटा। ये बुर्का किस खुशी में अम्मा? मैंने नहीं पहनना। मैंने समझा कर बेटा, वो तुम्हारी हिफाजत के लिए, वो सरवर तुमसे शादी करने के लिए पीछे पड़ा हुआ है। ये क्या कह रही हो अम्मा? सच कह रही हूँ, जल्दी से पहन कर आ जा, फिर हमें जाना होगा। जी। अरे चलो भाई चलो, टैक्सी भी आ गई है, रास्ते में भी रश होगा। आ गई। अरे बाप रे बाप, शनाज चलो। अरे ये दोनों भी जा रहे हैं? हैं? कहाँ है समीना, कहाँ है? आ रही है। अच्छा अब लाते। चलो ख्याल रखना अपना। आशिक क्या हो गया तुम्हें? तुम इन लोगों को तो भेज रहे हो, और वो गुंडे जो तुम्हारे पीछे लगे हैं उनका क्या करोगे? अरे बाहर में जाए, वो निपट लूंगा मैं उन लोगों से, लेकिन इस तरह से अपनी बेटी की शादी उन गुंडों से नहीं करूंगा। हाँ वो बाहर बैठा हुआ टैक्सी में, आ गया, तुम लोगों को ट्रेन में बिठा के आया। ठीक है, स्टेशन पहुंच के फोन करती हूँ। जरूर करना भाई, और ख्याल से जाना। मैं अभी जा रहा हूँ दुकान पे, तुम लोग इस तरफ से निकलो, मैं इस तरफ से निकलता हूँ ताकि उन लोगों की कोई शादी। तुम मुँह नीचे रखना बेटा, बस चलो शाम में आता हूँ। अल्लाह हाफिज। चल बेटा चलो, खामोशी से बस ऐसे मुँह नीचे रखना।
तो सर जी को शायद हमारी बात समझ में नहीं आई कि हमारे मर्जी के बगैर लड़की को शहर से बाहर मत भेजना, लेकिन वो समझा नहीं। अब अच्छा लगूंगा भला अपनी होने वाली दीदी के साथ जोर जबरदस्ती करते हुए, क्यों सासुमा? शर्म करो बगैर तो, किसी की बेटी को छेड़ते हो। तुम्हारे घर में भी बहनें होगी, उनके साथ भी यही सलूक करते हो क्या? अबे निकालो अपनी भाभी को। खबरदार, मेरी बेटी को हाथ लगाया तो मैंने कहीं नहीं जाना। नहीं अम्मा। ए निकालो। खबरदार। हेल्प। मार दूंगा, गोली मार दूंगा इसको। आओ। समीरा, समीरा, जाओ। जाओ, समीरा, छोड़ो मेरी बेटी को। निकल। अम्मा। चला। क्या कर रहा है जब्बार? क्या बक रहा है बे? शहनाज, आशिक, मुझे मेरी बच्ची ला दो। पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। तुम कुछ करो आशिक, तुम कुछ करते क्यों नहीं? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि उनको पता कैसे चला समीना के बारे में, तुम लोगों के बारे में। जब्बार साथ था, अदनान साथ था, रोका क्यों नहीं उन लोगों को तुमने? उन्होंने अदनान के सर पे बंदूक रख दी थी, वो बहुत सहम गया था। पता नहीं हमारी जवान बेटी को कहाँ ले गए। हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहे। या अल्लाह, ये दिन दिखाने से पहले तूने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? तू परेशान मत हो, परेशान मत हो। मैंने शौकत भाई को भी फोन किया है। वो भी शौकत भाई, ये देखे वो कह रही है, वो उठा के ले गए, सर पे बंदूक रख दी। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें, बच्चा भी सहमा बैठा है। मैं क्या, खुली बदमाशी चल रही है यहाँ पे? यार फिक्र ना करो, कोई परेशान होने की बात नहीं है यार। देखो बात आगे बढ़ गई है भाई, लेकिन अब मुझे बीच में आना पड़ेगा भाई। देखो तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बच्ची को हर हाल में वापस ले आऊंगा, किसी भी तरह से ले आऊंगा भाई। मैं ले आएंगे वो। हाँ ठीक है ना, मैं अभी गया, अभी आया। चलो तुम रुको, इनको संभालो, संभालो, इनको संभालो। मैं आया। जनाज अगर शौकत भाई कह रहे हैं तो वो लेकर आएंगे। परेशान परेशान मत हो, मैं कह रहा हूँ परेशान मत। सब क्या बोल, पानी पियो। मुझे नहीं पीना पानी, मुझे घर जाने, अपनी अम्मा के पास खुदा के वास्ते मुझे घर जाने दो। चुपचाप बैठो, खामोश रहो। मैंने कहा आवाज बंद। मुझे घर जाना है। ऐसे नहीं मारो, ऐसे नहीं मारो। अब अगर आवाज आई ना तो मार दोगे, मार दो। मुझे डर नहीं लगता तुमसे। तुम्हें घर जाना है ना, जाने तुम्हें घर। ठीक है, अगर तुम्हें घर जाना है तो ये खाना खाओ। मुझे भूख नहीं है। अगर भूख नहीं है तब भी खाना पड़ेगा, वरना अपने घर को भूल जाओ, समझी? तुम खाओ खाना। ला ला, मुझे दे, मैं देता हूँ। ला शहनाज, ये ले, चल पानी पी, हौसला कर। ठीक, हौसला।
मतलब शनाज ना कर ऐसे, शनाज ना कर। चल पानी। अब क्या फायदा, इतनी बदनामी हुई है, कोई मुस्तकबिल तो नहीं रहा उसका। तुम किस किस्म की बातें कर रही हो, सब में मेरी बच्ची का क्या कसूर? सुन रहे हो तुम अपनी बकवास बंद करो। इसमें बकवास वाली क्या बात है, क्या तुम्हें नहीं पता जिन लड़कियों को हुंडे उठा कर ले जाते हैं उनसे कोई शादी नहीं करता, माशरे में कोई इज्जत नहीं रही उसकी। बस कर दे रिजवाना, चुप कर जा, हालात देख, बातें देख अपनी, ये देख, खुदा के लिए चुप। मुझे तो तुम चुप करा लोगे, दुनिया को कैसे चुप कराओगे तुम? क्या जवाब दोगे, क्या क्या सफाइयां पेश करोगे? रिजाना मुंह बंद कर ले, कर ले बंद। अरे तुम लोगों को अच्छी तरह पता है कि मेरा धंधा। हाँ भाई, अच्छा वो सरोर क्या हाल है मेरे कमों के भाई है? अरे वो सब ठीक है, लेकिन रोती बात है। वैसे छोड़, वो तातो उसका बाप ही है भाई। अच्छा खाना वाना तो खिलाया है ना उसे? अरे खाना शाना सब कुछ खिला दिया, लेकिन करना क्या है उसका? क्या मतलब है क्या करना है? अब उसे उसके घर छोड़ दूंगा और उन लोगों के बीच में मैं हीरो बन जाऊंगा भाई। अरे वाह क्या बात है। हाँ। अरे वैसे एक बात करूं शौकत भाई? हाँ, बोलो। आपके शातिर दिमाग का जवाब भी है कोई? मानते हो ना? हाँ। मानते हो ना? अच्छा चल, अब मुझे अपने समूह का दीदार करा दे। अरे चल ना जगन भाई, चल से। अच्छा तू यहाँ रुक, मैं आ रहा हूँ, ठीक है ना भाई? क्या हो गया आशिक भाई, कैसे हो गया? मतलब मेरे को तो अभी जवाहर ने बताया सारा मामला, कोई खबर मिली बेटी की? पता नहीं वो जालिम मेरी बच्ची के साथ क्या शुरू कर रहे हो यार। बहुत आशिक भाई परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा बच्ची को, अल्लाह पे भरोसा रखो, ठीक हो जाएगा। फिक्र ना करो आशिक भाई, तेरे से घर वापस आ जाएगी। मेरे को बताओ मतलब पुलिस ने कुछ तो बताया ना? यार शौकत भाई के हाथ में सारा कुछ, अब क्या शरीफ पर दुआ करे यार, बहुत मासूम बच्चे है। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, आप देखना सब ठीक हो जाएगा। अभी ऐसे उम्मीदी की बातें तो ना करो, मेरे को भी रोना आ जाएगा आशिक भाई। कमाल हो गया यार, सारे लोग है यार। अला 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 यार, अला अला। अरे किस हाल में रखा है तुमने मेरी समूह को? अबा शौकत भाई फिक्र नहीं करे, कुछ नहीं हुआ। अबे सरवर, अरे कहीं ज्यादा नींद की गोलियां तो नहीं दे दी तुमने इसको? अरे बिल्कुल नहीं शौकत भाई, एक आधी गोली दी है मैंने। हाँ अला अला, कितनी खूबसूरत लग रही है। दिल तो नहीं चाह रहा तुम्हें वापस ले जाने के लिए, लेकिन एक दिन हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। ऐसे शौकत भाई है बहुत प्यारी। अच्छा सुनो, अब तुम लोग यहाँ से बिल्कुल गायब हो जाओ कुछ दिनों के लिए भाई, शहर से भी निकल जाओ यहाँ से। अरे आप बिल्कुल फिक्र नहीं करो, आप कहेंगे तो ये शहर छोड़ दूंगा मैं। हाँ बिल्कुल शहर छोड़। कितनी प्यारी लग रही है। आशिक मियां, शौकत भाई। आशिक मियां जरा दरवाजा खोलो। शौकत भाई। हाँ भाई। समीना। हाँ पकड़ो। शहनाज, शहनाज आ गई मेरी बच्ची। शहनाज समीना आ गई। समीना, समीना तू ठीक है ना? तेरा शुक्र। आशिक मियां अपनी जान पे खेलकर मैं तुम्हारी बच्ची को बचाकर लाया हूँ भाई।
पकड़े गए ना वो गुंडे? हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, नहीं वो पकड़े नहीं गए, बस वो फरार हो गए, मैं उनको जल्दी पकड़ लूंगा, तुम फिक्र मत कर लो। अच्छा मुझे ये बताइए मिली कहाँ से ये? वो क्या है कि वो इसको गाड़ी में उठाकर ले जा रहे थे तो रास्ते में उनको पकड़ लिया भाई, और वो इसको छोड़ के भाग गए तो मैं ले आया थे। वापस तो आ गई है, लेकिन दाना खासतौर उन गुंडों ने इसके साथ। चुप कर कमीनी, क्यों ऐसे बदफाग मुंह से निकाल रही है? गाली किससे दे रही हो? गुंडे थे, कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ। नहीं ऐसी आशिक मियां, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। हम ये तो समीना ही बताएगी कि इसके साथ हुआ क्या है। मैं कह रहा हूँ ना भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कैसे इतने यकीन से कह सकते हैं? वो क्या है कि ये दिखने में ऐसा नहीं आ रहा ना कि ऐसा कुछ हुआ होगा। हाँ शहनाज तुम अंदर लेके जा, पानी वानी पिला, मैं आ रहा हूँ, और तुम भी जाओ अंदर। सी बातें कर रही है भाई, ये सौतेली है ना तू। शौकत भाई मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा, मैं आपका शुक्रिया किस मुंह से अदा करूं? खुदा की कसम आपने कर्जदार कर दिया है, अपना जान मांगोगे जान दे दूंगा। अरे नहीं आशिक मियां, ऐसी कोई बात नहीं यार, ये तो मेरी ड्यूटी में शामिल है, मेरे फर्ज है भाई। हाँ। तो मैं पुलिस अफसर हूँ तो यही काम करूंगा, और क्या करूंगा। स्वागत भाई आप बोलो, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, सिर्फ बोलो। चलो फिर बात कर लेंगे इस मसले पे, ठीक है? आ जाओ चाय तो। नहीं मैं जा रहा हूँ, बस तुम आराम करो, बच्ची के साथ जाके मिलो, ठीक है ना? मैं गुंडे अब तो नहीं आएंगे। अरे नहीं आएंगे, मैं हूँ ना, बस मुझे बता देना जो कुछ भी हो, मुझे बता देना, तुम जाओ मैं जा रहा हूँ। दरवाजा नहीं बेटा। अम्मा क्या समीना बाजी भी हमें छोड़ के चली जाएंगी शुमाइला बाजी की तरह? नहीं बेटा, चलो तुम लोग तो जाके सो जाओ, भाई को ले जाओ। ये बात सारे मोहल्ले में आपकी तरह फैल गई। अब तू क्या करेगा आशिक? कौन इस लड़की को अपनाएगा? कुछ भी नहीं हुआ माँ जी, समीना बिल्कुल पहले जैसी है। पहले जैसी नहीं है वो अगवा हुई भी लड़की है। ऐसी लड़की से ना तो कोई शादी करता है ना कोई उसे अपनाता है, जितने लोग उतनी बातें। इस सब में मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं, कोई बातें बना के तो देखी, मुंह नोच लूंगी मैं उसका। अरे किस किस का मुंह नोचेगी, इसकी शादी हो जाना ही एक मौजदा समझो तुम। वक्त के साथ हर किस्सा पुराना हो जाता है, देखना जब लोगों को कुछ और मिलेगा ना तो भूल जाएंगे इस वाक्य को। भूल है तेरी, ऐसा हादसा कोई नहीं भूलता, और खास तौर पर वो जो लड़की के साथ हुआ। आशिक तू कुछ क्यों नहीं बोलता? क्या बोलूं क्या बोलूं, बोल तो रहे हो तुमसे, बोलते रहो।
अम्मा, मेरा बच्चा, तुझे होश आ गया? अम्मा, मैं कैसे आई घर? कौन लाया मुझे? तू कल रात को ही घर आ गई थी। शौकत भाई तुझे बचा कर लाया। ठीक है ना? अम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो नहीं, तुम अब घर में हो। बेटा, उन्होंने तेरे साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? नहीं, मुझे याद नहीं अम्मा। जब तक मुझे होश था तब तक तो कुछ नहीं किया था, लेकिन उसके बाद खाना खिलाया और मुझे कुछ नहीं याद उसके बाद। आए देखना आशिकी मैं कैसी हालत खराब कर देता हूँ। देखते हैं क्या कहता है अल्लाह मालिक है। अरे आशिक मिया, शौकत भाई बैठे। मेरा भाई कुछ बोलो भी, क्या मसला क्या है यार, बताओ तो सही मुझे भी। क्या बताऊं शौकत भाई मैं। अरे यार कुछ बोलो भाई, मैं हूं ना। बहुत परेशान हो गया हूँ यार शौकत भाई, बड़ी बेइज्जती हो गई मोहल्ले में। आते जाते लोग भले कस रहे हैं, जिन नजरों से देख रहे हैं यहाँ दिल में घुस रही हैं नजरें। पहले ही शुमाला की वजह से बहुत जलालत हुई थी, और अब मेरी समीना है बेचारे, कोई शादी नहीं करेगा उससे, लोग सिर्फ बातें ही करते रहेंगे। अरे ये तो है, मोहल्ले में लोग बातें तो बना रहे हैं, मुझसे भी बहुत से लोगों ने पूछा, लेकिन मैंने तो डांट डपट कर सबको यूं खामोश करा दिया। बहुत शुक्रिया शब्द, बहुत शुक्रिया। अब तो मेरी समीना की शादी भी नहीं हो पाएगी, जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी बच्ची की। वो आशिक मियां एक बात बोलूं यार, रहा भाई मत मनाना। शौकत भाई आपके इतने एहसान है मुझ पे, आप बोला करें, हुक्म करें बस। वो क्या है कि आशिक मियां अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी बेटी से शादी करने के लिए तो कैसी हो समीना? ठीक हूँ। तो पता है हम तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हो गए थे, ये सोच रहे थे कि तुम कहाँ होगी, किस हाल में होगी। खुदा ना खास्ता तुम्हारे साथ कहीं कोई गलत बात तो नहीं हो गई, बहुत डर लग रहा था मुझे। मुझे ऐसे घूर शना, बाहर निकलो कमरे से, खाना खाने दो इसे सुकून से। हाँ तो खाए खाना, मैं तो सिर्फ खैरियत पूछने के लिए आई। पता कर ली मैं खैरियत, जाओ यहां से निकलो। अभी बातें बनानी, अगवा हुई है तो बातें तो बनेंगी। शर्म करो रिस्वान, अल्लाह का खौफ करो। मैं क्यों शर्म करूं, मैं थोड़ी अगवा हुई हूँ। मैं जानबूझ के अगवा नहीं हुई थी। इससे पहले कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं, निकलो यहां से। Thank you.
क्या मतलब? बहुत छोटी है आपसे, बच्ची है वो तो। अरे आशिक मियां, मेरी बात का मतलब गलत नहीं समझो, तुम बैठो तो। बैठो बैठो आशिक मियां, बैठो तो सही, बैठो तो। देखो वो आशिक मियां, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाह रहा था। देखो अभी अभी तुमने यही कहा ना कि तुम्हारी बेटी जब शादी कौन करेगा, तो मैंने कहा भाई मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ भाई। हाँ वैसे भी देखो मुझे तो भाई सारे मामले का पता है कि लड़की का कोई कसूर नहीं है। देखो आशिक मियां मुझसे शादी करेगी तो लोग बातें बनाने से पहले डरेंगे और वो गुंडों से महफूज रहेगी, क्योंकि पुलिस वाले की बीवी पर हाथ उठाने से पहले 100 मरतबा सोचेंगे गुंडे। और तुमसे भी डरेंगे आशिक मियां, तुमसे भी डरेंगे, क्योंकि पुलिस वाला तुम्हारा दामाद बनेगा ना भाई। और वैसे भी आशिक मियां मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बेटी का कोई मुस्तकबिल करीब में रिश्ता है, वैसे तुम्हारी बड़ी बेटी भी भागी हुई है भाई। मैं तो बस तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की मदद करना चाह रहा हूँ। सोचो ये वक्त है, वक्त ले लो, मैं यही हूँ, जब रहोगे मैं हाजिर हो जाऊंगा भैया। हाँ है ठीक है ना, है सोचो मैं जाऊं। तुम गई और क्या हो गया मेरे साथ? मत रो समीना, तो कुछ तो है ना। मुझे तो ये सब कुछ हैदर के दोस्त से पता चला। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ खुश हो? हाँ बहुत, हैदर मेरा बहुत ख्याल करते हैं, उसे बहुत प्यार करते हैं। और तुम्हें पता है मैं फिर से पढ़ाई शुरू करने वाली हूँ। बस अम्मा बहुत याद आती हैं, मुझे याद करती है क्या? बहुत याद करती है। मुझे लग रहा है कि कोई आ रहा है, मैं फोन रखती हूँ। अच्छा ठीक है, अब जब टाइम मिले ना मुझे जरूर फोन करना, ठीक है? और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रख। आज बहुत थक गया मेरा बच्चा। नहीं माँ जी, वो समीना का रिश्ता है। अच्छा कौन फरिश्ता है जो इस हाल में उसने रिश्ता भेज दिया? शौकत। अच्छा उसका कोई छोटा भाई भी है? माँ जी उसने अपने लिए रिश्ता भेजा है। क्या हुआ, थोड़ी उम्र ही ज्यादा है ना, तूने क्या सोचा? समझ में नहीं आ रहा, दोनों की उम्र बड़ा फर्क है। अरे उम्र का क्या है, तेरे अब्बा भी तो मुझसे 15 साल बड़े थे। तू तो शुक्र कर इस हाल में तेरी बेटी का रिश्ता आ गया। अरे तू किस किस को सफाइयां पेश करता, वो तो इन सब हालात से वाकिफ है ना। अरे मेरी मान, और इस मौके को गनीमत जान के तू हाँ कर दे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन शनाज से भी पूछना पड़ेगा। अरे छोड़, उसका मकल औरत से क्या पूछना? माँ है उसकी, उसे पूछना जरूरी है माँ जी। देख आशिक, अल्लाह ने तुझ पे रहम किया है ये रिश्ता भेजकर, अब तू ना शुक्राना बन। अरे तू ये सोच कि पुलिस वाला जब तेरा दामाद होगा तो 10 लोग तुझसे डरेंगे, समझ गया मेरी बात?
के बाल को काला कर दूंगा ताकि मैं जवान दिखने लगूं। ये ले शौकत भाई, गर्मा गर्म कड़क चाय। अबे रख ले, इधर देख नहीं रहा, हिसाब लगा रहा, रख दे। वैसे शौकत भाई, आपको लगता है आशिक भाई हाँ कर देगा? अरे खोंचू, उसके पास तो रास्ता है क्या? अबे उसके तो अच्छे भी मान जाएंगे। लेकिन उसकी बेटी और बीवी, अबे क्यों टेंशन फैला रहा है? अरे सब मान जाएंगे, मेरी प्लानिंग की कुछ इस तरह की है। हाँ अरे सुन, ये बगा और पीछे से बालों को लगा और देख, एक बाल भी सफेद नहीं रहना चाहिए। आजा आजा आजा, एक एक बाल जो है ना, देख देख के उसको कलर करो, कोई एक बाल भी सफेद रहने नहीं देना। मैं जवान दिखने लगूं, ठीक है? जी 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 हाँ जी 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 सही सही, इधर 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 सही जगह। अरे ख्याल से कोई स्किन पे लग जाए है? कैसी है समीना? कैसी होगी, बहुत डरी हुई, खाने पे भी नहीं आई। बाहर बुलाया था, बोली दिल नहीं है, वही कमरे में जाके खिला दिए, थोड़ा वक्त तो लगेगा, तुम जाके मिल लो उससे। नहीं बेटा, हिम्मत नहीं हो रही मेरी। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ तुम अम्मा से क्या बातें कर रहे थे? अच्छा है बेटा, एक जरूरी बात करनी है तुमसे। क्या, कौन सी बात? रिश्ता आया समीना के लिए। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कौन है लड़का, कैसा खानदान है, किसने भेजा है? शौकत। शौकत भेजा? किसके लिए? अपने लिए। इसका दिमाग तो ठीक है ना, पहले ही दो तीन शादियां कर रखी है, वो बीवियां पता नहीं कहां गायब हो गई है। साफ साफ मना कर दो उसे, उसकी हिम्मत तो देखो। देखो जान जी, एकदम मना मत करो, सोचते हैं। कुछ नहीं सोचना बोचना, तुम्हें तो पहले ही मना कर देना चाहिए था इस बात पे। तो कौन करेगा फिर उससे शादी? सारी जिंदगी क्या घर में बिठा के रखोगी? हाँ बिठा के रखूंगी, पर उस बुड्ढे से शादी नहीं करूंगी। जान जी, ये बातें कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल। आशिक, मुझे और इस पर बहस नहीं करनी, अल्लाह पे भरोसा रखो, कोई ना कोई अच्छा रिश्ता आ जाएगा समीना के लिए। नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। अगवा हुई भी लड़कियों को कोई अपने घर की इज्जत नहीं बनाना चाहता, कोई नहीं शादी करता उनसे। अल्लाह पे भरोसा है, तभी शौकत ने खुद आके समीना का हाथ मांगा। देखो अभी इतनी जल्दी फैसला मत करो, हकाइक पे नजर डालो जान जी, हकाइक पे। मैं बहुत सोच समझ के ये बात कर रहा हूं तुमसे। यही बात तो है कि तुम सोच समझ के बात नहीं कर रहे। फजूल है तुमसे बात करना।
इस वक्त? ऐसे ही वो तुम्हें देखने आया था। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ। अब्बा क्या हो? कुछ सो जा। जी आप भी। का रंग लाल।